वहीं भिलाई निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर अपने नियमित भ्रमण के दौरान वार्ड क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे। इसी बीच वह अचानक गदा चौक के पास पहुंचे, जहां शराब दुकान के चखना सेंटर में प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का विक्रय एवं उपयोग किया जा रहा था, जिसे लेकर उन्होंने स्वयं खड़े होकर चखना सेंटर के विरुद्ध 2000 रुपए की चालानी कार्यवाही को अंजाम दिया। निगम भिलाई के आयुक्त ने गदा चौक स्थित शराब दुकान के पास लगने वाले चखना सेंटर पर कार्रवाई करते हुए कहा, दोबारा यदि गलती दोहराते पाए जाएंगे तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जुर्माने के साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक की जब्ती भी बनाई गई। इस मौके पर स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी व अंजनी सिंह मौजूद थे। प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर निगम प्रशासन लगातार मार्केट क्षेत्रों में दबिश दे रहा है और यहां भी प्रतिबंधित प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक का विक्रय एवं उपयोग करते पाए जा रहे हैं, तो वहां जुर्माना लगाते हुए जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। अब तक प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई की बात करें तो 5 लाख से अधिक रुपये का जुर्माना निगम प्रशासन इस पर लगा चुका है। शहर से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का खात्मा करने के लिए निगम प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है और शहरवासियों से भी इसके बहिष्कार को लेकर लगातार अपील करता रहा है। देखिए, माननीय आयुक्त महोदय और अपर आयुक्त महोदय ने जो है एक बैठक, बहुत महत्वपूर्ण बैठक ली थी। उस दरमियान में कहा था कि जो मुख्य रूप से होलसेलर है, उसके जो निर्माता है, उनको टारगेट करना है और उसके अलावा जिनकी सूचीबद्ध करके प्रतिबंधित प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक पर छापेमार कार्रवाई करना है, और जो इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए पर्यावरण विभाग के लोग हैं और भी जो लोग होंगे उनके समन्वय बना के इसमें काम करना है, ऐसी चर्चाएं हुई थी और इसके निर्देश भी कमिश्नर साहब ने दिए थे। इसी तारतम्य में जो है वो वार्ड भ्रमण जो है लगातार आयुक्त महोदय मॉर्निंग विजिट के दौरान कर रहे हैं और अचानक जो है गदा चौक के पास में जो शराब दुकान है उसके पास जो चखना सेंटर है वहाँ पहुँचे। वहाँ प्रतिबंधित प्लास्टिक का निरीक्षण किया गया, सिंगल यूज प्लास्टिक का निरीक्षण किया गया और सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित प्लास्टिक पाए जाने पर जो है 2000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए उनको कड़ी चेतावनी भी दी कि दोबारा पाया जाएगा तो उनके जो नियमानुसार जो है वो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 2000 रुपये का जुर्माना भी आयुक्त महोदय ने खुद स्वयं खड़े होकर वसूल करवाया है। मेरी आम नागरिकों से अपील है कि जो प्रतिबंधित प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक, उसका बहिष्कार करें। आपके पास जो कपड़े बने थैले होंगे या जो प्रतिबंधित प्लास्टिक के दायरे में नहीं आते हैं उनका उपयोग करें और हमेशा जब मार्केट में जाते हैं तो ऐसे ही चीज़ों का उपयोग करें जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाते। दरअसल निगम आयुक्त विसर्जन के बाद तालाबों का जायजा लेने सुपेला के शीतला तालाब के निरीक्षण में पहुंचे थे। वहां उन्होंने सफाई व्यवस्था देखी और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने इंदिरा नगर सुपेला के मोहल्ले का निरीक्षण किया और वहां भी सफाई व्यवस्था देखी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।